अमेरिका जी, हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में, और इसमें हम टेकओवर के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हम जिसके जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको जो है आज कंप्लीट करें। हम डिस्कस करते हैं मायोपिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे टेकओवर इंड्यूस्ड मायोपिया। तो हम इसमें जो है वो टेकओवर इंड्यूस्ड मायोपिया की हम बात करेंगे कि टेक ओवर की वजह से मैनेजर्स किस तरह से नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं जिसका लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नुकसान होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल वर्जन ऑफ द मायोपिया आर्गुमेंट। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल अंडर इनकम्बेंट मैनेजमेंट इज पी प्लस टी, वेयर पी इज इक्वल टू पी एच और पी एल डिपेंडिंग ऑन वेदर द इनकम्बेंट मैनेजमेंट later works or shakes, and T is some pre-takeover stage investment by the entrepreneur. अब इसमें जो हम probability जो situation assume कर रहे हैं, suppose कर रहे हैं, वो ये है कि हम ये assume कर रहे हैं कि जी इस जो अभी current management है उसके अंदर project के जो successful होने के chances हैं, जो probability है वो P plus T है कि अभी जो करंट मैनेजमेंट चल रही है उसके अंदर फर्म के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो पी प्लस टी है, जिसमें जो पी है वो प्रोबेबिलिटी है जो या तो पीएच होगी या पीएल होगी, जो इस चीज पे डिपेंड करी है। पीएच उस वक्त होगी अगर वो एंटरप्रेन्योर बेहतर तरीके से काम करेगा, पीएल उस वक्त होगी जब वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, एंड टी इज सम प्री टेक ओवर स्टेज इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर। और टी क्या है, ये आपको टेक ओवर से पहले पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लेट वाई टी डिनोट द कन्वेक्स प्राइवेट कॉस्ट टू द एंटरप्रेन्योर ऑफ चूजिंग टी। और हम ये कहते हैं कि वाई टी जो है वो एक प्राइवेट कॉस्ट हो गया एंटरप्रेन्योर के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है टी। अज्यूम दैट द choice of T is unobservable by other parties. और हम ये assume कर लेते हैं कि ये जो T है ये unobservable है, ये दूसरी parties इसको observe नहीं कर सकेंगी। In particular, the incumbent managers actual as opposed to anticipated choice of T affects neither the raider's willingness to pay for the firm at the date of the raid nor the acquisition price. और हम ये assume करते हैं कि जो managers की जो choice of T है, यानी कि जो pre-investment जो उसने करनी है pre-takeover से पहले, वो ना तो raider की willingness को पे इफेक्ट करेगी और ना ही जो acquisition price जो पे करेगा raider उसको जो है वो इफेक्ट करेगी। अब इन सारी assumption को लेते हुए जो है वो हमने ये डिस्कस किया टेक ओवर इंड्यूस्ड मायोपिया। नाउ लेटिंग द आर बी डिनोट द एंटरप्रेन्योर स्टेक इन द सक्सेस एंड एच द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेक ओवर टेकिंग प्लेस, द एंटरप्रेन्योर चूजेस टी सो एज टू मैक्सिमाइज टी आर बी एच माइनस वाई टी। हमने कहा कि आर बी अगर ये डिनोट करे कि जो एंटरप्रेन्योर का स्टेक है सक्सेस में और एच उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो ये प्रोबेबिलिटी बता रही है कि कोई अभी टेक ओवर नहीं हो रहा, एंटरप्रेन्योर टी को चूज करेगा मींस वो इन्वेस्टमेंट चूज करेगा। क्यों इन्वेस्टमेंट चूज करेगा, क्योंकि उसने इस पॉइंट को जो है वो इम्प्रूव करना है टी आर बी एच माइनस वाई टी को। इन जनरल दिस चॉइस इन्वॉल्व्स टू डिस्टॉर्शंस, और इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चॉइस जो है वो उसमें आपकी दो डिस्टॉर्शन जो है वो हो सकती हैं। फर्स्ट, व्हेन रिटेन द एंटरप्रेन्योर रिसीव्स लेस देन द फुल पाई आर बी माइनस आर एंड देयरफॉर हैज अ सब ऑप्टिमल इंसेंटिव टू रेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस वो मैनेजर्स को कुछ शेयर देगा, मैनेजर्स के कुछ बेनिफिट के लिए काम करेगा, तो उसका जो इंसेंटिव होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मींस उसका जो टोटल प्रॉफिट आना था आर बी, उसमें से कुछ शेयर तो इन्वेस्टर्स वगैरह के पास चला जाएगा, देन द लेफ्ट वन इज आर बी रेजिडुअल प्रॉफिट।
अब ये जो रेजिजुअल क्लेम है डेफिनेटली ये कम होगा आपके फुल क्लेम से, फुल प्रॉफिट से. एंड दिस इज अनदर वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड इफेक्ट आइडेंटिफाइड इन सेलेक्शन सेक्शन 3.2. तो 3.2 में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी. द क्वेस्ट फॉर प्लेजिबल इनकम फोर्सेस द एंटरप्रेन्योर टू गिव सम ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स व्हिच डज एंटरप्रेन्योर इंसेंटिव. तो वो अपने लॉन्ग रन प्रॉफिट को सेफ गार्ड करने के लिए, फ्यूचर को बेनिफिट लेने के लिए वो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो अपना कुछ रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे देगा, जिसकी वजह से जो है जो एंटरप्रेन्योर जो इंसेंटिव्स हैं, जो उसके जो इंसेंटिव्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे. सो सो मोर इंटरेस्टिंगली इंसेंटिव्स आर आल्सो डल्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए टेक ओवर एच लेस देन 1. द एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट लेस in the probability that she will reap the fruit of investment increases. ab isme ye bhi hai ki agar aapke chances hain take over, means humne ye kaha tha ki ye h jo hai wo ye probability hai ki there would be no take over. ab agar h jo hai wo less than 1 ho, to iska suppose h 90% hai, means 90% chances hai ki take over nahi hoga, still 10% chances hai ki take over hoga. in that case h would be less than 1. एंटरप्रेन्योर जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट लेस होगी, क्योंकि जितने भी चांसेस हों टेक ओवर के, तो ये पता होगा कि जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा फ्यूचर में शायद उसके बेनिफिट उसको नहीं मिलेंगे, उसके बेनिफिट किसी न्यू बंदे को मिल जाएंगे जो रेडर होगा, जो टेक ओवर कर लेगा. वेदर दिस इंड्यूसेस अ सोशल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफरबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट टीम. अब इस चीज़ की कोई सोशल कॉस्ट होगी या नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो इन्वेस्टमेंट टी है ये ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है. इफ टी इज नॉट ट्रांसफर टू अ न्यू टीम, एज एग्जांपल इट क्रॉसपॉन्ड्स टू सम नॉन कोडिफाइड नॉलेज एक्यूमुलेटेड बाय द एंटरप्रेन्योर, देन दिस सेकंड रिडक्शन इन इंसेंटिव इज नॉट डिस्टॉर्टिव सिंस द इन्वेस्टमेंट pays off privately and socially with probability H only. अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर टी जो आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है वो न्यू टीम को ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई न्यू ट्रेनिंग कर ली, आपने जो है वो कोई ऐसी स्किल्स इम्प्रूव कर ली जो ट्रांसफरेबल नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले ली जो सिर्फ आप रन कर सकते हैं और कोई रन नहीं कर सकता. तो अगर कोई भी ऐसी टी की गई है, ऐसी इन्वेस्टमेंट की गई है जो नॉन ट्रांसफरेबल है या वो नॉन कोडिफाइड नॉलेज है, एंटरप्रेन्योर ने कोई ऐसा नॉलेज गेन किया है जो जब तक वो रहेगा तो वो यूज कर सकेगा, अगर वो नहीं होगा तो वो यूज नहीं कर सकेगा, तो नॉन कोडिफाइड नॉलेज है और इसका मतलब है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है. तो उस सूरत में टेक ओवर के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी हैं, वो डिस्टॉर्टिव नहीं होंगे. मैनेजर को कोई मसला नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर को कोई मसला नहीं होगा, वो टी करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उस सूरत में उसको पता है कि टेक ओवर हो या ना हो उसको जो बेनिफिट मिलना है उस इन्वेस्टमेंट से वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. टेक ओवर नहीं होगा तो वहाँ पर रह के बेनिफिट ले लेगा, टेक ओवर होगा तो जहाँ पे कहीं पर जाएगा वहाँ पर जाके बेनिफिट, क्योंकि वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो एच है कि वहां पे वो टेक ओवर की वजह से उसको नुकसान नहीं होगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इफ द टी इज नॉन ट्रांसफरेबल. इन ऑपोजिट व्यू, इफ इन कंट्रास्ट, इफ द इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफरेबल, सो टी क्रोस्पॉन्ड्स टू द चॉइस ऑफ अ बेटर प्रोजेक्ट, टू अ बेटर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट एक्सेट्रा. A new factor of under investment is the positive externality of investment on the radar. और अब अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी ट्रांसफरेबल है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि अगर जो बंदा मैनेजर होगा, जो मैनेजमेंट टीम होगी वो उसकी पोजिशन में होगी, वो उसको यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर उस सूरत में ये डिस्टॉर्टिव हो सकते हैं और रेडर को जो है वो उसके लिए इशू जो है वो हो सकता है. तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर ट्रांसफरेबल है तो वो फिर अंडर इन्वेस्टमेंट होगी, टेक ओवर इंड्यूस्ड मायोपिया होगा, कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी
तो एंटरप्रेन्योर चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए हेजिटेट करेगा या अंडर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसे ये पता होगा कि ये इन्वेस्टमेंट अभी मुझे इतना बेनिफिट नहीं देगी, फ्यूचर में बेनिफिट देगी। और अगर टेक ओवर का थ्रेट है तो ये कोई न्यू टीम इसका बेनिफिट लेगी, मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में वो क्या करेगा, उस सूरत में वो खुद उसका जो है वो उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट पे जाएगा जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। सो हियर मैनेजेरियल मायोपिया, द टेंडेंसी टू एक्सेसिवली प्रिविलेज द प्रेजेंट ओवर द फ्यूचर, टेक्स द फॉर्म ऑफ एन अंडर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एज द बेनिफिट्स विल पार्टली गो टू द न्यू मैनेजेरियल टीम। तो इसको हमने मैनेजेरियल मायोपिया कहा, क्योंकि ये टेंडेंसी है मैनेजमेंट की कि प्रेजेंट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द फ्यूचर, और इसमें जो है वो आप फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अंडर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आप मैनेजर्स को ये लग रहा है कि जो बेनिफिट, अगर वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स मिलने हैं फ्यूचर में वो न्यू मैनेजरियल टीम मिले को मिल जाएंगे और उन्हें नहीं मिलेंगे। अल्टरनेटिवली एंड क्लोजली रिलेटेड, मैनेजरियल मायोपिया माइट कंसिस्ट इन सैबोटेजिंग द प्रॉफिट ऑफ द राइडर सो एज टू डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ अ टेक ओवर। और इसमें हम ये इस पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि जी इससे आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजरियल मायोपिया क्या है, कि अगर उनको टेक ओवर का थ्रेट लग रहा है तो वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और उस सूरत में वो रेडर की जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं उसको वो डिक्रीज कर रहे हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो वो फिर रेडर भी ये देखेगा कि इनके पास तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ही कम है, और इन सेक्रीफाइसिंग लॉन्ग रन पे ऑफ इन ऑर्डर टू पॉस्चर दैट इज टू ऑब्टेन गुड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एंड अपीयर एफिशिएंट टू इन्वेस्टर। या दूसरी सोच में वो क्यों अंडर इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी को करंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और ये पॉस्चर करना चाह रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और वो उनको करंटली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग बहुत हाई है, और फ्यूचर को जो है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ये है हमारे पास टेक ओवर इंड्यूस्ड मायोपिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक ओवर्स एंड मैनेजेरियल डिसिप्लिन। अब हम जब पहले हमने डिस्कस किया टेक ओवर एंड मैनेजेरियल इंसेंटिव्स, और उसके अंदर हमने डिस्कशन की टेक ओवर एंड मैनेजेरियल मायोपिया का, तो अब हम बात करेंगे टेक ओवर एंड मैनेजेरियल डिसिप्लिन की। जो हम पहले बात कर रहे थे कि जी मैनेजर्स डिसिप्लिन हो जाएंगे, वो पुअर परफॉर्मेंस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अब हम उसकी भी बात करेंगे। कन्वर्सली द टेक ओवर थ्रेट में इंड्यूस द एंटरप्रेन्योर टू वर्क हार्डर। तो पॉजिटिव जो रिसर्चर्स लेते हैं इसको, वो ये कहते हैं कि जी अगर टेक ओवर थ्रेट है तो एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्क करने पर मजबूर हो जाएंगे, वो कोशिश करेंगे हार्ड वर्क करें। देयर वी आर्ग्यू डैट कॉन्टीजेंट इंटरफेरेंस में बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजरियल डिसिप्लिन। तो हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर जो टेक ओवर की जो इंटरफेरेंस है, जो टेक ओवर के थ्रेट्स हैं, या जो कंडीशनल्ड इंटरफेरेंस है कि जब अगर थ्रेट हुआ तो न्यू मैनेजरियल टीम आ जाएगी, वो मैनेजर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक मेथड है मैनेजरियल टीम को डिसिप्लिन करने के लिए, उनको अपने टोल्स पर रखने के लिए। द बेसिक पॉइंट इज दैट परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट कैन नॉट कंसिस्ट इन सोलली मोनेटरी रिवॉर्ड्स। बात यह है कि जी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड है कि अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो रिवॉर्ड मिलना है, और अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो आपको पनिशमेंट मिलनी है, वो सिर्फ और सिर्फ मोनेटरी टर्म्स में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जी आपको बोनसेज मिलते रहेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, और अगर जो है वो आपको फायर कर दिया गया है तो ये आपकी पनिशमेंट है। ये सिर्फ मोनेटरी टर्म्स में नहीं है, या आपकी सैलरी कम कर दी गई है। इन पार्टिकुलर to the extent that managers derive rents from their position, a sanction for poor performance may require taking that position away. तो हमें ये पता है कि जो मैनेजर जब मैनेजीरियल पोजिशन पे होते हैं तो वो रेंट्स डिफरेंट इंजॉय करते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, कुछ तो मॉनेटरी बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स हैं, स्टेटस के बेनिफिट्स हैं, आप मार्केट में बेनिफिट्स इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी पुअर परफॉर्मेंस होगी और जो है वो आपको पोजीशन से निकाल दिया जाए तो शायद आपको कहीं और जॉब तो मिल जाएगी, शायद आपको उसी सैलरी में या बेनिफिट्स पे जॉब भी मिल जाए, लेकिन शायद जो
एक टॉप पोजीशन आप इंजॉय कर रहे थे पहले, यहाँ पे जो है वो पोजीशन आपके पास जो है वो ना रहे। तो ये भी इस चीज़ को भी करने के लिए जो है कि जो मैनेजरियल टीम होती है वो अपनी डिसिप्लिन रहती है, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से नहीं बल्कि सोशल बेनिफिट्स की वजह से, अपने स्टेटस बेनिफिट्स की वजह से भी जो है वो ये कोशिश करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो और टेक ओवर के चांसेस को जो है वो कम किया जा सके। सो लेट्स हैव सम मोर डिस्कशन लाइक पार्टनर एंड मूल्यांकन इन 2003 एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट बिहेवियर ऑफ द पासेज ऑफ लॉज रिस्ट्रिक्टिंग टेक ओवर्स ऑफ फर्म इनकॉर्पोरेटिंग इन अ गिवन स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये दो रिसर्चर्स हैं, 2003 में एक रिसर्च की कि यूएस के डिफरेंट स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ने टेक ओवर लॉज जो है वो उन्होंने पास किए, अप्रूव किए, जिसको एंटी टेक ओवर लॉज भी कहते हैं, और उन्होंने टेक ओवर को रिस्ट्रिक्ट किया क्योंकि उस टाइम पीरियड पे यूएस में बहुत ज्यादा टेक ओवर वगैरह चल रहे थे, उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा थी। तो कुछ स्टेट्स ने टेक ओवर को कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट लॉज को पास किया है और उसके इफेक्ट्स को लाइक उन्होंने कहा कि अगर एक स्टेट ने टेक ओवर जो रिस्ट्रिक्टिंग टेक ओवर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो कॉर्पोरेट बिहेवियर पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अमंग अदर थिंग्स दे कंपेयर प्लांट्स लोकेटेड इन द सेम स्टेट बट बिलोंगिंग टू फर्म्स इनकॉर्पोरेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। और उसका इम्पैक्ट उन्होंने ये भी देखा सेकेंड के उन्होंने ऐसे प्लांट्स को देखा कि वो प्लांट्स जो उस स्टेट के अंदर थे जहाँ पे लॉ पास किया गया लेकिन उनका तल्लु किसी ऐसी फर्म के साथ था, वो किसी ऐसी फर्म की सब्सिडरी थे जो दूसरी स्टेट में थी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन लुक एट चेंजेस इन टू प्लांट्स लोकेटेड इन न्यूयॉर्क बट बिलोंगिंग टू फर्म इनकॉर्पोरेटेड इन डेलावेयर एंड कैलिफोर्निया व्हेन एन एंटी टेकओवर लॉ इज पास इन डेलावेयर which enables them to filter out state specific shocks। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हम इसके इस तरह से भी उन्होंने differences को देखा कि उन्होंने दो plants लिए New York में और उन्होंने देखा कि New York में ये जो दो plants हैं इनके corporate behavior पे क्या impact आया है। अब जो वो plants तो New York में है लेकिन वो दो डिफरेंट फर्म्स के हैं, उनमें से एक फर्म का जो हेड ऑफिस है वो डेलावेयर में है और दूसरी फर्म का जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में है। अब कैलिफोर्निया में एंटी टेकओवर लॉ पास नहीं किया गया, डेलावेयर में जो है वो एंटी टेकओवर लॉ जो है वो पास किया गया। तो ये देखना चाहते थे कि दोनों प्लांट न्यूयॉर्क में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, एक स्टेट जो डेलावेयर है उसने टेकओवर लॉ पास कर दिया एंटी टेकओवर लॉ तो उसके प्लांट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो दूसरी फर्म है प्लांट है जिसका हेड ऑफिस जो है वो आपके पास कैलिफोर्निया में है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दे फाइंड दैट वेजेस एंड इन पार्टिकुलर वाइट कॉलर वर्क इंक्रीज सिग्निफिकेंटली व्हेन एन एंटी टेकओवर लॉ इज पास। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब डेलावेयर में एंटी टेकओवर लॉ पास किया गया तो जो वेजेस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई डेलावेयर का प्लांट जो न्यूयॉर्क में था, और स्पेशली जो वाइट कॉलर जो मैनेजरियल जॉब थी वो लोअर मैनेजरियल लेवल की जॉब हो सकती हैं, मिडिल मैनेजरियल लेवल की जॉब हैं या टॉप मैनेजरियल जॉब हैं, जो भी वाइट कॉलर जॉब इन जनरल सारी वेजेस इंक्रीज हुई और इन पार्टिकुलर जो वाइट कॉलर जॉब वो उस प्लांट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई जहाँ पे उनकी स्टेट में एंटी टेकओवर लॉ जो है वो पास किया गया। बाय कंट्रास्ट एक्सक्यूज मी सर जी सर वेजेस सो बाय कंट्रास्ट द पासेज ऑफ एन एंटी टेकओवर लॉ डज नॉट अफेक्ट फर्म साइज ओवरऑल, इट लीड्स टू fewer plant destruction and fewer plant creation। और डेलावेयर में जो एंटी टेकओवर लॉ पास किया गया था वो फर्म के ओवरऑल साइज के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो डेलावेयर वाला जो हेड ऑफिस था
इस तरह की जितने भी उन्होंने एग्जाम्पल्स ली वो बहुत कम प्लांट्स डिस्ट्रॉय हुए, बहुत कम न्यू प्लांट्स क्रिएट हुए। इसका मतलब ये है कि जब एंटी टेक ओवर लॉ किसी भी स्टेट में पास किया जाता है तो उसकी वजह से सैलरीज वगैरह वेजेस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, मैनेजरियल बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल फर्म साइज पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना वो बढ़ता है ना कम होता है। सो दे कंक्लूड दैट द एविडेंस इज कंसिस्टेंट विद द आइडिया दैट टेक ओवर प्रोटेक्शन इनेबल्स मैनेजर्स टू एंजॉय अ क्वाइट लाइफ बट डज नॉट सपोर्ट एम्पायर बिल्डिंग थ्योरी। उन्होंने कहा कि जो हम ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर टेक ओवर थ्रेट्स होंगे तो मैनेजीरियल ऑन टोज होंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की कोशिश करेंगे ताकि टेक ओवर मुश्किल हो सके, और अगर एंटी टेक ओवर लॉज आ जाएंगे उससे क्या होगा कि मैनेजीरियल क्वाइट लाइफ इंजॉय करेंगे, इजी रहेंगे, ज्यादा बेनिफिट्स लेंगे, और जो एम्पायर बिल्डिंग थ्योरीज हैं लाइक अब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो जो ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था कि जी मैनेजीरियल थ्रेट जो है वो अगर हों तो मैनेजीरियल डिसिप्लिन होंगे, दैट इज ऑल्सो अ राइट वन, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर थ्रेट नहीं होगा टेक ओवर का तो मैनेजर्स क्वाइट हो जाएंगे, इजी लाइफ हो जाएगी उनकी, वो ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह इंजॉय करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए थी, एक एम्पायर बिल्डिंग होनी चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशन फर्दर ग्रो करती वो कम हो जाती है। मुझे बहुत सवाल आ रहा है। ओके नाउ लेट्स सी। ओके द फाइनल नोट ऑन टेक ओवर एंड मैनेजरियल डिसिप्लिन, फाइनल नोट, आप फैसिलिटेटिंग टेक ओवर्स मे नॉट इंप्रूव मैनेजरियल इंसेंटिव। अगर जो है वो चार्टर ऐसा है फर्म का कि वो टेक ओवर्स को फैसिलिटेट करता है तो मैनेजरियल इंसेंटिव इंप्रूव नहीं होंगे। अ टेक ओवर फ्रेंडली चार्टर इन जनरल makes a takeover more likely both when performance is good and when it is poor. एक जो ऐसा charter जो takeover friendly है कि वो takeover की सूरत में takeover करने वाले को support करेगा, वो takeover को जो है वो ज़्यादा likely कर देता है दोनों के चीज़ में। अगर performance बेहतर होगी तब भी takeover के chances बढ़ जाएंगे और अगर performance poor होगी तो तब भी। The net effect on managerial incentive for good performance is a priori unclear unless takeover incentive put us in a range in which takeovers are only a threat when performance is poor. Ab jo managerial incentives hain better performance ke liye wo itne clear nahi hote unless ke ji aapke jo takeover incentives hain wo us range mein rahe ke takeover sirf ek threat rahega agar performance poor hai, means agar managers poorly perform kare, charter ko is tarah ka hona chahiye कि अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो टेक ओवर का थ्रेट हो, और अगर बेटर परफॉर्मेंस है तो फिर टेक ओवर के चांसेस कम हो जाए। आइडली फॉर इंसेंटिव पर्पसेस वन वुड वांट टेक ओवर्स टू बी फैसिलिटेटेड व्हेन परफॉर्मेंस इज पुअर एंड डिस्करेजिंग और डिस्करेज व्हेन परफॉर्मेंस इज गुड। तो आइडली आपका चार्टर ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसे इंसेंटिव प्रोड्यूस करे मैनेजर्स के लिए कि अगर मैनेजर की परफॉर्मेंस पुअर है तो टेक ओवर्स को फैसिलिटेट किया जाए, और अगर जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो टेक ओवर्स हैं उनको जो है वो डिस्करेज किया जाए। अच्छा ये अब लास्ट मिनट है।